नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफाइल को, उससे पूर्व हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल को, और इन इंटरमीडिएट के रूप में आज हम पढ़ने वाले हैं मुक्त मूलक को, या जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, फ्री रेडिकल। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्री रेडिकल के ऊपर कि किस प्रकार से इंटरमीडिएट की जो ये अनस्टेबल जो स्पीसीज हैं, या जिसे अपन बोल सकते हैं जो भी ये अस्थाई स्पीसीज है, इसका जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है और ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करती हैं, इनके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कार जो भी मुक्त मूलक है, या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मुक्त मूलक, और ये मुक्त मूलक किस रूप में है, मध्यवर्ती के रूप में, मध्यवर्ती के रूप में। मौसी रूप से जो भी इंटरमीडिएट होते हैं वो प्रोडक्ट से पहले बनी हुई जो हाईली अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं वो इंटरमीडिएट कहलाती हैं, और जिसके रूप में हमने पढ़ चुके हैं कार्बो एनायन को पढ़ लिया है, कार्बो कैटायन को पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ रहे हैं मुक्त मूलक को। तो देखिए, मौसी रूप से इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके माध्यम से इन फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। मौसी रूप से इंटरमीडिएट कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये माइंड से बाहर निकाल दें कि ये कोई प्रोडक्ट है। मौसी रूप से ये रिएक्शंस के मध्य में बनते हैं, अर्थात प्रोडक्ट से पहले बनी हुई अनस्टेबल स्पीसीज है। तो देखिए, मौसी रूप से यदि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे इसके साथ में इस रिएक्शन के दौरान हम देखिए किसका फॉर्मेशन करने वाले हैं, फ्री रेडिकल बनाने वाले हैं, कि इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। सपोज करिए इस कार्बन से कोई जेड इस प्रकार का ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे देखिए मस्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस जेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी लगभग क्या है भाई, समान है। ये कंडीशन रख दी मोस्टली रूप से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या है भाई, समान है। जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे कौन से टाइप का बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें पता है कि यहाँ पे कौन से टाइप का बॉन्ड क्लीवेज होता है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि समान संबंध विखंडन इस प्रोसेस में होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और इस जेड समूह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में देखिए, हमें पता है एक बॉन्ड को बनाने में दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से वितरण हो जाता है, और ये समान रूप से वितरण, यहाँ पे हम इस समान रूप से वितरण को हम फिश हुक एरो के माध्यम से इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण से एक जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड का वो कार्बन की तरफ चला जाता है, और जो शेष बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो जेड की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है इंटरमीडिएट के रूप में ये रेडिकल। देखिए इस रेडिकल को देखिए, और यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन ने हमने यहाँ पे इस रेडिकल को यहाँ पे रेडिकल के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया है। इसके बाद में ये जेड है, तो यहाँ पे देखिए ये जो स्पीसीज है, ये कार्बन का जो फ्री रेडिकल है, या जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, कार्बन का मुक्त मूलक बोल सकते हैं, तो ये हो गया मुक्त मूलक। मोस्टली रूप से फ्री रेडिकल्स के का फॉर्मेशन के लिए हमने पूर्व कक्षाओं के अंतर्गत कुछ कंडीशंस बताई थी कि वहां पे क्या होना चाहिए, इन दोनों जो एटम्स हैं या बॉन्ड के दोनों तरफ के एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस शून्य या लगभग जीरो के समान हो, और यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मोस्टली रूप से रिएक्शंस हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में होने चाहिए, या फोटोन्स की उपस्थिति में होने चाहिए, या हैवी टेम्परेचर या
हैवी हीट के ऊपर या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान मोस्टली रूप से किस टाइप का बॉन्ड क्लीवेज होता है? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये बॉन्ड क्लीवेज में हमने देखा था, तो यहाँ पे देखिए होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, जिसके माध्यम से किसका निर्माण हो रहा है? मुक्त मूलक का निर्माण हो रहा है। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम देख लें कि किस प्रकार की इस इनके जो फ्री रेडिकल हमारे पास बना है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज ये प्रदर्शित करता है। आप साथ साथ ये उतारते चलिएगा। तो देखिए हमारे पास जो बनने वाला फ्री रेडिकल सही क्या क्या प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करता है, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारे पास में ये बना था इस प्रकार से, आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारे पास में फ्री रेडिकल बना था। तो ये क्या है, एक इसे अपन कार्ब मुक्त मूलक भी बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन के साथ में संलग्न क्या है भाई, रेडिकल है, इसलिए इसे कार्ब मुक्त मूलक भी बोल सकते हैं। तो इसकी कंडीशंस या क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उन सबके ऊपर अपन चर्चा करते हैं पॉइंट वाइज। देखिए इन पॉइंटों को आप साथ साथ उतारते चलिएगा। देखिए मोस्टली रूप से पहली बात तो ये क्या है, एक इंटरमीडिएट। तो मैं कह सकता हूं एक क्या है, ये इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट के रूप में यदि ये है तो ये क्या होगा भाई, अत्यधिक अस्थाई होगा क्या, एक अनस्टेबल स्पीसीज होगी या अत्यधिक अस्थाई स्पीसीज होगी ये, जिसे आप प्रजाति बोलते हैं यहाँ पे स्पीसीज। यदि अनस्टेबल कंडीशन है, और अनस्टेबल कंडीशन कब होती है, जब क्या हो इसकी रिएक्टिविटी अत्यधिक हो, अर्थात इसके ऊपर चार्ज ज्यादा हो, तो चार्ज हो तो अर्थात उसकी एनर्जी ज्यादा हो। तो इसी कंडीशन में जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो क्या होता है, लेस स्टेबल और हैवी रिएक्टिव स्पीसीज। तो मैं कह सकता हूं ये अत्यधिक क्या है, क्रियाशील स्पीसीज है। तो अत्यधिक क्रियाशील, क्योंकि जो इंटरमीडिएट है वो क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और लेस स्टेबल होते हैं। ये बातें तो इंटरमीडिएट की ही थी। अब देखिए इसको देखते हैं अपन। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस स्ट्रक्चर में तीन बॉन्ड हैं, तो यहाँ पे प्रत्येक बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए टोटल यदि मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या की यदि मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए तीन बॉन्ड है और साथ में एक ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सिंगल ये इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से, टोटल कितने हो गए यहाँ पे, सेवन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि ये सेवन इलेक्ट्रॉन क्या है, स्पीसीज है। यदि ये जो कंपाउंड है या जो कार्बन रेडिकल है, तो इसमें देखिए सेवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होने के कारण इसका ऑक्टेंट भी अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए हमें आठ इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो अष्टक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऑक्टेंट या अष्टक इसका क्या है, अपूर्ण है। तो ऑक्टेंट इनकम्प्लीट ये है जो स्पीसीज है। अब देखिए यदि ये कंपाउंड है जो ऑक्टेंट इनकम्प्लीट है, तो मोस्टली रूप से ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकता है। तो लाइक ये यहाँ पे किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रोफाइल के समान बिहेवियर प्रदर्शित कर सकता है ये। तो इलेक्ट्रोफाइल के समान ये व्यवहार प्रदर्शित करता है। और यदि इसमें बात करें तो देखिए यदि इसको मैं मिटाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से उतारिएगा। देखिए आगे यदि मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रोफाइल के समान व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है, तो मैं कह सकता हूं ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, न्यून स्पीसीज है। यदि ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, तो मैं कह सकता हूं एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन आकर्षित स्पीसीज भी हो गई।
यानी कि मैं कह सकता हूं ये इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, एक्सेप्टर स्पीसीज है। ये पॉइंट यहां तक उतारिएगा आप। यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज है तो लाइक ये किसकी तरह है, मोस्टली रूप से ये है जो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर सकती है। साथ में देखिए इसके पास में केवल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी कर सकती है, तो लाइक ये लुईस बेस की तरह भी व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। लुईस क्षार के समान समान भी व्यवहार प्रदर्शित करता है। और यदि इसकी और प्रॉपर्टीज की यदि मैं बात करूं, तो देखिए इसके पास में केवल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो कैसी कंडीशंस में है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यदि यहाँ पे युग्मित कंडीशन है, यदि युग्मित कंडीशंस हैं, तो हमारी उसकी जो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, यदि उनकी बात करता हूँ, तो युग्मित प्रॉपर्टीज के अंतर्गत उसकी जो नेचर है वो कैसी हो जाती है, प्रतिचुंबकीय। तो हमारे पास जो भी न्यूक्लियोफाइल था, जो भी इलेक्ट्रोफाइल था, तो वो दोनों के दोनों किस प्रकार के थे, प्रतिचुंबकीय थे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक कंडीशन बन रही है, इसके पास में जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये युग्मित अवस्था में नहीं है। यहाँ पे मैं कह सकता हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी बन सकता है, यदि इसके पास क्या हो, अनपेयर्ड अनपेयर्ड या अनयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और वो भी कितने हैं, एक है, जिसके कारण से इसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी भाई, अनुचुंबकीय। तो ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। इतने पॉइंट हमने किसमें जाने हैं भाई, फ्री रेडिकल में। तो और भी यदि इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स की यदि मैं बात करता हूं, तो देखिए हम किस प्रकार से बना सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए। देखिए इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स की यदि मैं बात करता हूं, तो देखिए इस प्रकार से हमारे पास में ये जो फ्री रेडिकल है, इस प्रकार से। तो हम देखिए सबसे पहले यदि इसके संकरण का निर्धारण करें, तो यहाँ पे देखिएगा आप अपने इस कार्बन से संलग्न तीन हाइड्रोजन है, जिसके पास में देखिए तीन क्या है भाई, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, जबकि एक केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ना कि लोन पेयर है। इसके आधार पर इसको काउंट नहीं करेंगे, केवल तीन सिग्मा बॉन्डो को हम काउंट करते हैं। अतः यहाँ पे संकरण का प्रकार होता है sp2, और sp2 जब संकरण होता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है भाई, 120 डिग्री होता है, और ज्योमेट्री हमें प्राप्त होती है क्या भाई, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है। यदि इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स यदि यहाँ पे मैं प्रदर्शित करना चाहूं, तो देखिए एक कार्बन होगा जिसके पास में तीन संकरित कक्षक होंगे, और वो ज्योमेट्री उनकी क्या होगी भाई, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। इस प्रकार से ये तीनों संकरित कक्षक कैसे होंगे भाई, sp2 संकरित कक्षक होंगे, जिनके पास में केवल सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। इस प्रकार से हमें पता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि मैं बात करूं, तो इसका होता है 1s1, और s की जो शेप होती है वो क्या होती है, गोलाकार होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, और जो ये 1s वाला है, और ये 1s किसका है भाई, हाइड्रोजन का है, और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है। तो 1s, प्रत्येक 1s के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से तो यहाँ पे देखिए यदि मैं बात करूँ, तो इन दोनों के बीच में एक प्रकार की ओवरलैपिंग पाई जाती है, या अतिव्यापन पाया जाता है, यानी कि मैं कह सकता हूं ये किस प्रकार की ओवरलैपिंग है, एक्सियल टाइप ओवरलैपिंग।
तो यहाँ पे एक्सियल टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है प्रत्येक, यहाँ पे कैसा है sp2 संकरित कक्षक तथा 1s ऑर्बिटल के बीच में। यदि यहाँ पे देखिए आमने सामने टाइप की यदि ओवरलैपिंग हो रही है तो मोस्टली रूप से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, आपस में क्या होगा यहाँ पे ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी और किसका फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का। इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा 1s इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ये तीनों क्या है भाई, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल है इस प्रकार से। अब देखिए इसके पास में एक अतिरिक्त कक्षक है और वो कौन सा है, यहाँ पे ये है 2pz वाला। जी हाँ 2pz वाला है, यानी कि यहाँ पे मैं बना देता हूं 2pz। ये 2pz ऐसा असंकरित कक्षक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं असंकरित, असंकरित कक्षक है, यानी कि ऐसा कक्षक है जिसने संकरण में भाग नहीं लिया है और इस 2pz के पास में केवल एक इलेक्ट्रॉन शेष रहता है। इसे मैं यूं प्रदर्शित कर देता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन शेष रहता है। तो ये किसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर थी हमारे पास, फ्री रेडिकल की। जी यहाँ पे मैं लिख देता हूं फ्री रेडिकल ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर हमने किसकी जानी है भाई, फ्री रेडिकल की, किस प्रकार से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एक्सियल टाइप की ओवरलैपिंग से मजबूत हमारे पास यहाँ पे किस प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आशा करता हूँ फ्री रेडिकल आपको समझ में आया होगा, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो मोस्टली रूप से फ्री रेडिकल है वो होमोलाइटिक प्रकार के बॉन्ड क्लीवेज के माध्यम से बनते हैं और ये एक ऐसी स्पीसीज है जो लुइस एसिड और लुइस बेस दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर सकती है। मोस्टली रूप से इसको इलेक्ट्रोफाइल के साथ में ही पढ़ा जाता है, वो इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इसलिए इसकी जो ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रकृति होती है या अधिकांश जो नेचर होती है इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल की, ये इन दोनों की जो नेचर होती है वो क्या होती है, लगभग समान होती है, जिसके कारणवश से इन दोनों को हम साथ पढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये बातें समझ में आए होंगी, तो आप इनको नोट कीजिएगा और दोबारा पेन कॉपी लेकर अपने इस कार्य को कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।